हेलो एंड वेलकम दोस्तों, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप एक रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो आप सभी जानते होंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फाइनली 6th लेवल वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट फाइनली स्टेशन मास्टर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। अब यदि मैं बात करूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो सारी फुलफिल अभी नहीं हुई हैं, बहुत सारी सीट्स जो हैं वो अभी भी खाली रह गई हैं, तो देखिए उसके लिए जो है वो सेकेंड पैनल आएगा 6th लेवल वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर फर्स्ट टीवी के लिए नहीं बुलाए गए हैं तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आप थोड़े से मार्क्स से रह गए थे तो हो सकता है कि जो हमारा सेकेंड पैनल होगा उसमें आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएं। अब रही अदर लेवल वाले स्टूडेंट्स की बात कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए 6th लेवल वाली प्रोसेस अभी हमारी कंप्लीट होने को है, अभी उसका सेकेंड पैनल भी आने वाला है। और यदि रेलवे इसी रफ्तार से अपने रिजल्ट्स लाता रहा और सारी प्रोसेस टाइम टू टाइम होती रही तो मैं कह सकती हूँ कि जो 5th लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनकी टाइपिंग टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट नवंबर में आपकी आ सकती है। तो देखिए रेलवे में यदि मैं ग्रुप डी की बात करूं या एनटीपीसी की बात करूं, जितना डिले पहले हुआ था एग्जाम कंडक्ट होने में और रिजल्ट आने में, अब कहीं ना कहीं उतना ही फास्ट प्रोसेस हो रही है। एग्जाम आपके टाइम पे हो रहे हैं, एग्जाम होने के बाद मैं बोलूं कि आंसर की भी जल्दी ही आ गई थी और आंसर की आने के बाद फिर भी आपके रिजल्ट एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के जल्दी ही आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि 6th लेवल वाले स्टूडेंट्स की प्रोसेस होने के बाद जो 5th लेवल वाले कैंडिडेट हैं जो अपनी रिस्पॉन्स शीट की वेट कर रहे हैं कि हमारे टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा, तो हो सकता है कि नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली स्टेशन मास्टर के लिए उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन भी कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट आने वाला है उनको विश यू ऑल द बेस्ट।